हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक नई पावरफुल वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है भैया, यीशु मसीह ने कहा है तुम जाग कर रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। पिता ने कहा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकता है। आज हमारे मसीह भाई बहन कहते हैं मैं पाप करना ही नहीं चाहता हूँ फिर भी हो जाता है, तो कैसे हो जाता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हो जाता है। भैया बाइबल पढ़ोगे नहीं, प्रार्थना करोगे ही नहीं और कहोगे पाप हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों सुधर जाओ, अंत निकट है, यीशु आने वाले हैं। जागो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कब तक पाप करते रहोगे? कब तक पाप करते रहोगे? कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों समय कम है, दिन बुरे हैं, बचा लो अपने आप को, यीशु आने वाले हैं। जागो, यीशु आने वाले हैं। याद रखना रैप्चर में वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे, जो धर्मी होंगे, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे, वरना उठाया नहीं जाएगा। क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो किए हैं यीशु के सामने मानो, पश्चाताप करो, वरना यही मस्ती आपको एक दिन नर्क में लेकर चली जाएगी। और एक बार उस नर्क में चले गए वहाँ ना आग बुझेगी, वहाँ ना कीड़े मरेंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसको डाला जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा अधोलोक में चली जाएगी और फिर आपकी आत्मा अधोलोक से निकाल कर सूत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उसका न्याय किया जाएगा। जिस शरीर में आपने व्यभिचार किया होगा, गलत काम किया होगा, वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नर्क में फेंक देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। अंत निकट है, अपने आप को बचा लो, अपने आप को तैयार कर लो। याद रखना पांच मूर्ख कुंवरियाँ छोड़ दी गई थी और पांच समझदार कुंवरियाँ ले ली गई थी, तो आप उन पांच समझदार कुंवरियों की तरह तैयार रहिए, हर घड़ी तैयार रहिए। पाप मत करिए, पापों की नींद में मत सोइए, पापों की नींद में मत खोइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा है उस जिस घड़ी के विषय में मैं आऊँगा, उस घड़ी के विषय में तुम नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता है। यीशु मसीह ने कहा है उस रात दो मनुष्य खाट पर सोते होंगे, एक को बदलकर उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा वहीं सोने के लिए। दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक को बदलकर उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां मार्केट जा रही होंगी, एक को बदलकर उठा लिया जाएगा, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। दो मनुष्य खेत में काम कर रहे होंगे, एक को बदलकर उठा लिया जाएगा रैप्चर में, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा वहीं खेती करने के लिए। अब कौन लिया जाएगा और कौन ना कौन छोड़ा जाएगा अभी आपको आगे पता चल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चर्च में 100 लोग जाते हैं, 100 लोग नहीं उठाए जाएंगे, जो चुना होगा, जो तैयार होगा वही उठाया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है बुलाए गए तो बहुत हैं भैया, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। समय कम है, दिन बुरे हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं। लौट आओ, सुधर जाओ, यीशु मसीह के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है, वह दयालु परमेश्वर, वह करुणा निधि परमेश्वर है, वह हम सभी को माफ़ करना चाहता है, वह तो अनंत काल का जीवन देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बजाय मस्ती में डूबे हुए हैं, व्यभिचार करने में जुटे हुए हैं, सेक्स वीडियो देखने में लगे हुए हैं, लड़कियों को पटाने में लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं। समय कम है, तैयारी कर लो, यीशु आने वाले हैं। कब तक पाप करते रहोगे? यीशु मसीह ने कहा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और सावधान रहना, जागते और तैयार रहना मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ बार बार यीशु मसीह चेतावनी देकर गए थे तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। आज हमारे मसीह भाई जाग कह रहे हैं, वह तो लड़की को पटाने में लगे हुए हैं। जितना डर हमें उस अपनी सामने वाली गर्लफ्रेंड से लग रहा है कि वह मुझे छोड़ ना दे, उतना डर हमें परमेश्वर से नहीं लग रहा है। डर लग रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड से लग रहा है, कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो बोलने ना लगे, कहीं मुझे छोड़ ना दे। जितना डर हमें गर्लफ्रेंड से लगता है उतना डर हमें परमेश्वर से नहीं लग रहा है। सुधर जाओ वरना सारी गर्मी निकल जाएगी उस अनंत काल की आग में, वहाँ आग नहीं बुझेगी और कीड़े नहीं मरेंगे। जरा सोचो, आग नहीं बुझेगी और कीड़े नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का मेरे प्रिय भाई बहनों? जो व्यक्ति नर्क में जाएगा
उसने अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाई हैं, जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो उस अनंत काल किया कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, जरा सोचा है अपने। यीशु मसीह ने कहा अवसर को बहुमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है, टाइम दिया है, वक्त दिया है, इस समय को बर्बाद मत करो, इस समय को बहुमूल्य समझो, कीमती समझो। मन फिरा लो, वरना नाश करके रख देगा परमेश्वर आपको, परमेश्वर बदला लेगा। उसने अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाई हैं, 39 कोड़े उसके लगवाए गए थे, कोड़ों के साथ खून मांस निकल कर चला आता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद करो उस परमेश्वर के दर्द को, याद करो। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की गुड लक। आमीन।